संजय राउत ने मोहन भागवत के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा कि मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूँ। इस देश में अनेक राज्यों में कश्मीरी पंडितों से ज्यादा नागरिक हिंदू या मुसलमान कठिन जिंदगी जी रहे हैं। मूवी का प्रमोशन करके निर्माता ने 400 से 500 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नसीब में पलायन ही लिखा है। संजय राउत ने मोहन भागवत के वक्तव्य का साथ देते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के नसीब में बस पलायन ही लिखा है। संजय राउत ने आगे बोलते हुए यह भी कहा कि आज की परिस्थिति पे कश्मीर फाइल्स 2 मूवी बनानी चाहिए। संजय राउत ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में देवेंद्र फडणवीस से भेंट की। उन्होंने कहा कि फडणवीस विपक्ष के नेते हैं और वह परिपक्व नेता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल ठीक नहीं है, जो चुनाव के कारण और बिगड़ सकता है। ईडी को पता लगाना चाहिए कि विधायकों को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के हित के लिए वहाँ गया है। ठीक है, मैं मोहन राव भागवत जी का जो बयान है उसका स्वागत करता हूँ। ये दर्दिन का झमेला बंद होना चाहिए, नहीं तो देश देश नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ये शिवलिंग ढूंढने के बजाय हमारे कश्मीरी पंडितों की जान की रक्षा कैसे करे, कश्मीर की रक्षा कैसे करे, इस बारे में सभी ने मिलकर सोचना चाहिए। चलिए, महाविकास आघाड़ी से नेते जे आहेत ते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेलेले आहेत। हे एक अत्यंत चांगलं पाऊल आहे दोन्ही बाजूंनी। देवेंद्र फडणवीस एक मॅच्युअर नेते आहेत, विरोधी पक्ष नेते आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, होते। एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आधीच या महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण अत्यंत प्रदूषित आणि गढूळ झाले। या निवडणुकीच्या निमित्तानं हे वातावरण अधिक बिघडण्याची शक्यता सगळ्यांना वाटते। घुडेबाजार जो नावाचा जो शब्द आहे तो अत्यंत वाईट पद्धतीनं महाराष्ट्रात सुरू झाल्याचं मला दिसतं। राजकारणामध्ये जो पैसा आणला जातो आहे निवडणुका जिंकण्यासाठी, तो पैसा कुठून येतो याचा तपास ईडीने करायला हवा। आमदार विकत घेण्यासाठी आमदारांना जी प्रलोभनं दाखवली जात आहेत ही आमच्याकडून नाही। ही प्रलोभनं दाखवणारे कोण आहेत आणि कोटी कोटी रुपयाचे जे मी आकडे ऐकतो आहे, या आकड्यांमागचे सूत्रधार कोण आहे, हे आज महाराष्ट्राच्या जनतेनं याचा विचार करणं गरजेचं आहे। केंद्रीय तपास यंत्रणांनी त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे। अर्थात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे आहे ते महाराष्ट्राच्या हितासाठी, महाराष्ट्रातलं वातावरण उत्तम राहावं यासाठी जर विरोधी पक्ष नेत्यांना भेटत असेल आणि त्यातून काही चांगला मार्ग निघणार असेल राज्याच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने, तर त्याचं स्वागत सगळ्यांनी केलं पाहिजे।